हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का PVR स्टडी में। तो बच्चों, आज आपकी बड़ी ही महत्वपूर्ण क्लास होगी। देखो, इस क्लास को देखने के पहले मैं आपको ध्यान से एक बात बता दूं, बहुत ही प्यार से सुनना। वो ये है कि अगर आपको पढ़ना है तो क्लास छोड़ के मत जाना। ये मत सोचना कि हम सबका नाम लेंगे, अनंत जुड़े हैं, प्रियंका जुड़ी हैं, पारुल और पंकज और अंशु, ऐसे ऐसे करते हैं तो टाइम बीत जाता है, मज़ा नहीं आती, क्लास एक भी नहीं चलती अच्छे से, ये समझ लो। बाद में बड़ी आत्मग्लानी होती है और तुम लोग सोचते हो नहीं, लाइव लगा के हम आएंगे, सबका नाम बुलाएंगे तभी पढ़ोगे। तो भैया अच्छे से पढ़ लो, ईमानदारी से। इस क्लास में किसी का हम नाम नहीं बोलेंगे, ये बात याद रखना। और प्यार से देखो, अच्छे से समझाऊँगा, 8 बार समझाऊँगा, समझ में आएगा, और यही हमारा उद्देश्य भी होना चाहिए। चलिए, एक्सरसाइज 4.2 का आपने पहला सवाल देख लिया था। वैसे तो मैं ये पूरी अभ्यास पढ़ा चुका हूँ लाइव में, लेकिन मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि एक सवाल लगवाने में 45 मिनट लग जाते हैं। तो इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि लाइव में नहीं, वही आप 45 मिनट में 45 सवाल हल करोगे अगर आप वीडियो देखोगे, लेकिन अगर आप लाइव आओगे तो 45 मिनट में 3 सवाल देखोगे, 4 सवाल, क्योंकि नाम लेने में टाइम सब बीत जाता है, या फिर कमेंट में इधर उधर दिमाग बढ़ जाता है, कहीं बफरिंग कर रहा है, कहीं नहीं चल रहा है, बहुत सारा लफड़ा होता है ना। चलो, कह रहा कि उदाहरण एक में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। आपका एक्सरसाइज 4.2 है, यानी कि प्रश्नावली 4.2, इसमें का सवाल नंबर 2 हमें हल करना है। अब ये भूल जाओ जो नीचे लिखा है, आपकी किताब में NCERT की जो बुक है उसमें लिखा है कि उदाहरण एक में दी गई समस्याओं को हल कीजिए, और बाकी कुछ नहीं दिया। तो उदाहरण एक मैं आपके सामने ले आया हूँ, उदाहरण एक यही है, कहने का मतलब इसी समस्या को हल करने के लिए वो बोल रहा है। लेकिन एक्चुअली जो उदाहरण में है उसमें क्या है, उसमें सिर्फ इसको एक समीकरण के रूप में बदलने के लिए कहा गया था बस। लेकिन आपकी एक्सरसाइज में कह रहा है कि इसमें जो समस्या है उसको हल कीजिए, कहने का मतलब इसको समीकरण के रूप में तो बदलिए ही, साथ साथ में इसका मान भी निकालिए आप, जो भी मतलब एक्चुअल वैल्यू है। चलिए देखते हैं कैसे होगा, ध्यान दीजिए। सवाल में पहले देखो एक स्टोरी लिखी गई है, पहले आपको इसको कहानी को ध्यान से समझना है। कह रहा कि जान व जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर के 45 कंचे हैं, 45 कंचे हैं, गोलियां हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कुल कंचों की संख्या का जो गुणनफल है वो 124 बचता है, यानी कि 124 बचता है। उसके बाद आगे कहता है कि हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कुल कितने कंचे थे। देखो, ये बात आपको एकदम क्लियर समझ में आ गई होगी ना बच्चा। चलो देखो, जान व जीवंती दोनों की बात कर रहा है, तो पहले हम माने के नीचे लिखो, माना नीचे आप हल लिखो, यहाँ पर हल बड़ा बड़ा लिख लो, हल लिखो। माना जान के पास कंचों की संख्या, माना जान के पास कंचों की संख्या बराबर यक्स। देखो, अगर हम नहीं लिखेंगे तब भी तुम लिखोगे, मैं बार बार बोलूँगा, 3-4 बार बोलूँगा, लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ना। जान के पास कंचों की संख्या कितना, एक्स। नीचे लिखोगे बच्चा, तब जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर कितना, कितना भैया, 45 माइनस यक्स, 45 माइनस यक्स। देखो, अब कुछ लोग को नहीं समझ में आएगा, मैं उनको बता दे रहा हूँ, ज़रा सोचो। कह रहा कि दोनों के पास कुल मिलाकर के 45 कंचे हैं, कुल 45 कंचे हैं। ज़रा इसको छोटा सा उदाहरण में समझ लो, अगर आपको ऐसा बोलता कि जान के पास 15 कंचे हैं और बाकी जो है जानवी के पास हैं, दोनों के पास कुल मिलाकर के 45 हैं, तो आप जानवी के पास का कंचा निकाल सकते थे ना। कैसे, क्योंकि आपको 45 से 45 से 15 घटा लेना था, आप पता चल जाता आपको 30 रहना, ये पता चल जाता ना। तो इसी तरह से हम इसको निकाले हैं कि अगर हमें जान के पास कंचों की संख्या पता चल गई तो जो बचेगा वो जानवी के पास होगा, क्योंकि ये तो कह रहा कि टोटल 45 है ना। तो ये बात आप लिख लो, लाइन हो गई इतनी। देखो, मैं जल्दी से मिटा देता हूँ, आप लोग की शिकायत रहती है बच्चा, इसलिए मैं इतनी जल्दी नहीं मिटा रहा हूँ, आप इसे जल्दी फिर नोट करो, फट से हो गया, आगे बढ़ें। चलिए, तो हो गया होगा, अब हम ऊपर से मिटाएंगे। देखो, अगर ईमानदारी से देखोगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। सवाल मैं मिटा दूंगा तब भी तुम लोग अब कर लोगे इसको, कोई बड़ी बात नहीं ना। चलो, जान और जीवंती के पास कंचों की संख्या हमें पता हो गई, हमने मान लिया और एक आ गया। आगे कहानी समझते हैं। कह रहा है कि उनके पास दोनों के पास कुल मिला करके 45 कंचे हैं, ठीक है। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास जो कंचों की संख्या का गुणनफल है वो 124 हो जाता है। 5-5 कंचे खो देते हैं, मतलब अब क्या होगा भाई, आगे बढ़ो, लिखो। पांच कंचे खो जाने के बाद जान के पास बचे कंचों की संख्या, लिखो, मैं नहीं लिखूंगा। 5 कंचे खो जाने के बाद जान के पास बचे कंचों की संख्या,
तो बच्चा जब पांच ठीक हो जाएगा तो जान के पास यक्स माइनस पांच कंचा बचेगा। ये तो बचेगा ना बाबू, मान लो पहले जान के पास 25 कंचा था, अगर पांच खो जाता तो बराबर 20 बचता। मतलब 25 माइनस पाँच ना, तो पहले उसके पास अगर यक्स था, पांच खो गया मतलब एक्स माइनस फाइव, है ना, लिख लो। हाँ अब आगे चलो भैया, जान के पास तो खो जाने के बाद कितना बचा है, एक्स माइनस फाइव। नीचे लिखो जानवी के पास, जानवी के पास पांच कंचे खो जाने के बाद बचे कंचों की संख्या, या फिर पांच कंचे खो जाने के बाद जानवी के पास बचे कंचों की संख्या। सेंटेंस आप समझ सकते हो ना। तो क्या हो जाएगा, ये जो टोटल था मतलब 45 माइनस एक्स ये था ना बच्चा आपका, इसमें से पांच और कम हो जाएगा। इनको अगर आप फाइनलाइज हल करोगे तो ये प्लस माइनस घट जाएगा बच्चा, तो 40 माइनस एक्स हो जाएगा। ये हो गया जानवी के पास कुल कंचों की संख्या पांच कंचे खोने के बाद, और ये है जान के पास। आगे स्टोरी में एक नया मोड़ आता है, नीचे लिखोगे प्रश्नानुसार, कह रहा कि दोनों के पांच पांच कंचे अगर खो जाते हैं, खो देते हैं, तो उनके पास जो कंचे बचे हैं उनकी संख्या का गुणनफल 124 है, गुणनफल 124 है। तो नीचे आप लिखोगे प्रश्नानुसार, नीचे लिखो प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सभी बच्चे लिखना प्रश्नानुसार। चलो अब मैं एक लाइन सवाल मिटा रहा हूँ, बस धीरे धीरे देखते जाओ। प्रश्नानुसार वो चीज़ तो आप समझ गए ना, नीचे मैं लिखूँ या यहीं लिख दूँ, देखो अगर स्टेप बाय स्टेप देखोगे समझ में आएगा। चलो मैं यहीं लिख देता हूँ प्रश्नानुसार, कह रहा कि दोनों की जो संख्या है उनका गुणनफल 124 है। तो बच्चा जो ऊपर आ रहा है ना, उनका गुणनफल करके 124 कर दो, बस हो गई कहानी आपकी पूरी। देखो कितना आसान है, अगर समझोगे तो पढ़ने वालों के लिए। अब कहो देखो शिवांश कमेंट कर रहे हैं, उर्मिला कमेंट कर रहे हैं, ध्रुव कर रहे हैं, मैं उनका नाम बोलूँ तो फिर मज़ा नहीं आती यार। देखो दोनों की जो संख्या है दोनों के पास कंचों की, उसका गुणनफल 124 है, मतलब ये x माइनस पाँच और ये जो जान और जानी कौन थे दोनों, आप देखे थे ना 4040 माइनस x, इनका गुणनफल जो है वो 124 है। यही कह रहा था ना कहानी में, देखो मैं यही कहानी तो है, यही है ना बच्चा, ठीक है बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब क्या करना है, अब इनको हल कर लो, एक समीकरण बन जाएगा, इसमें से x का वैल्यू निकालोगे तो दोनों के पास जो एक्चुअल में कंचों की संख्या वो मिल जाएगी। चलिए देखो मैं एक स्टेप बाय स्टेप मिटाते चल रहा हूँ, अगर आप लिखोगे तो आप समझोगे एक तरफ से, बीच में देखोगे समझ में नहीं आएगा, इसलिए शुरू से वीडियो देखो। x का 40 में मल्टीपल करोगे बच्चा तो ये हो जाएगा 40x, अब x का माइनस x में करोगे बाबू तो x का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे एरो लगा दो, यहाँ पे भी एरो लगा दो। हाँ मैंने x का मल्टीपल इसमें कर लिया 4040 में, अब मैं 5 का करूँगा दोनों में बारी बारी, तो 5 का जब मैं इसमें करूँगा बच्चा तो ये 5 दूना 5 चौका 20 ना, और एक जीरो पहले से था, यानी हम कह सकते हैं प्लस माइनस का 5 प्लस का 40 गुणा करोगे तो माइनस का 200 आएगा, और माइनस का 5 और माइनस का x तो ये प्लस का 5x बराबर 124। इस तरह से अगर हम देखें तो ये 40 और ये 5 दोनों प्लस में हैं, दोनों जुड़ जाएंगे तो बच्चा ये फाइनलाइज में आपके हो जाएंगे 45x माइनस x का स्क्वायर, और ये 200 माइनस में है, 124 किस में है बच्चा, वो प्लस में है, इधर आएगा ये माइनस हो जाएगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी फाइनल में 324 बन जाएगा इक्वल 0। ये आपको समझ में आ गया। अब हम इसको द्विघात समीकरण के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट में बता दूँ, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 होता है, तो हम इसको इसी रूप में रखेंगे पहले एक्स स्क्वायर वाला। तो भैया ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का 45x 45x माइनस का 324 इक्वल 0। देखो यहाँ एक मुसीबत है, सबसे पहले माइनस आ गया ना, तो इस माइनस को हम लोग क्या करेंगे, इस माइनस को हम लोग दूर करेंगे। दूर करने के लिए क्या करेंगे, देखो इसके लिए क्या करते हैं, ध्यान दो आप सभी, अगर तो आपको समझ में आएगा बच्चा। इसके लिए हम माइनस वन से दोनों पक्षों में गुणा करेंगे, माइनस वन से दोनों पक्षों में गुणा करने पर इधर भी इधर भी, तो जब हम इसमें माइनस वन से मल्टीपल करेंगे तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे, x का स्क्वायर माइनस 45x और प्लस 324 इक्वल 0। माइनस वन का शून्य में मल्टीपल करोगे तो वो शून्य ही रहेगा, चाहे जो भी कर लो उसमें। हाँ ये समझ में आया, लिख लो। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए आप, बहुत ही प्यार से समझना, ये इतनी कहानी हमारी हो गई पक्की ना। अब क्या करेंगे हम लोग, पता है ये तो हमारा समीकरण बन गया,
ये तो हमारा समीकरण बन गया बाबू। लेकिन अभी अगर हम उदाहरण की बात करते तो उदाहरण में कह रहा था समीकरण बनाओ, बन गया, ख़त्म हो गया था। लेकिन हम एक्सरसाइज हल कर रहे हैं तो एक्सरसाइज में कह रहा है इसमें दी गई समस्याओं को हल कीजिए, तो हम इसे पूरा कम्प्लीटली हल करेंगे। अब हमें क्या करना, फैक्टर करने हैं। अब ये बताओ, कोई दो संख्या बताओ जिसको अगर गुणा कर दें तो 324 हो जाए और अगर जोड़ दें तो 45 हो जाए, गुणा कर दें तो 324 हो जाए। आप ज़रा मुझे सोच के बताना, फटाफट जल्दी से चलो, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा ये, लेकिन बताना पड़ेगा आपको। चलो देखो, अब बच्चा आपको थोड़ा यहाँ सिफत करनी पड़ेगी। वो क्या है, हमें बीच वाले पद को तोड़ करके गुणनखंड करने हैं। मैंने आपको गुणनखंड करना बताया है। अब हमें कोई दो ऐसी संख्या ढूंढना है जिसको अगर जोड़ दें तो 45 हो जाए और गुणा कर दें तो 324 हो जाए। तो ऐसे तो हमें पता नहीं चलेगा कि गुणा करें तो 324 हो जाए, जोड़ दें तो 45 हो जाए, आखिर क्या होगा। 4, 5, 8, 9 तो है नहीं। तो हम क्या करेंगे, 324 का फैक्टर निकाल लेंगे। अब इसमें ट्राई करेंगे दो दो मिला के। चलो मान लो मैंने इन सब का एक जोड़ा बना लिया। ध्यान से समझो कैसे हम जानेंगे कि वो कौन से दो अंक हैं जिनको गुणा करेंगे तो 324 और जोड़ेंगे तो 45 आएगा। इसे हम कैसे समझेंगे आखिर, बाकी कुछ लोग के दिमाग में आ जाता है, बता देते हैं फटाफट। लेकिन मान लो आपके दिमाग में नहीं आ रहा तो आप कैसे समझोगे कि वो कौन सी ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका आप गुणा करोगे तो 324, जोड़ोगे तो 45 हो जाएगा। देखो तरीका ये है, आप जो संख्या बड़ी वाली लास्ट में होती है उसका फैक्टर करोगे और उसमें से आप जोड़े बना बना के ट्राई करोगे। तो भैया मैंने फैक्टर कर लिए, मैं इसका जोड़ा बना रहा हूँ, एक मैं ये जोड़ा बना ले रहा हूँ, एक ये पूरे का। तो दोनों का गुणा कर लो, 2 × 2 = 4 और ये 3 × 3 = 9, 3 × 27 = 81। अब हम 4 और 81 ले रहे हैं, तो बच्चा ये देखो अगर हम 4 का मल्टीपल 81 में करते हैं तो ये मल्टीपल तो 4 ये हो जाएगा पूरा, गुणा करने पे तो 324 आ जाएगा। लेकिन दूसरी कंडीशन है कि हम जब 81 में 4 को ऐड करें तो ये बच्चा क्या हो जाए, ये 45 होना चाहिए बट ये 85 हो रहा है। इसका मतलब ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो क्या करोगे, इसको कुछ करोगे नहीं, इसी में आप थोड़ा सा चेंजिंग करोगे। बच्चा चेंजिंग कैसे करोगे, ध्यान दो, बहुत ध्यान से समझो, मैं एकदम कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा, कभी भूलोगे नहीं, लेकिन थोड़ा समझो, टाइम दो, भाग के चले जाओगे कभी नहीं समझ में आएगा ज़िंदगी में, इसलिए थोड़ा समझो। हमने क्या किया था, पहले 2 अंक लिए थे, अब हम थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। चलो हमने अब 1, 3 और ले लिया, उसमें ये जोड़ा थोड़ा कम कर दिया। अब ट्राई करते हैं, चलो 2 × 4 = 12, 1 × 1 = 12 और ये 3 × 3 = 27। देखो 12 और 27 हो गया बाबू, ठीक है। तो 12 और 27 का जब आप मल्टीपल करोगे तो देखो मल्टीपल में तो हमेशा वो आ जाएगा क्योंकि फैक्टर उसी का है, उसी का बच्चा है ना। लेकिन जोड़ने पर आ जाए ये मुश्किल है, इसको जोड़ो तो 39 आ रहा है, मतलब 45 नहीं आया। इसका मतलब हमारा ये भी तरीका गलत है। तो हम क्या करेंगे फिर, हार नहीं मानना है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ट्राई करते रहो बच्चे। चलो अब क्या करोगे, अब फिर आप इसको मिटाओ और फिर से आप इसमें एक और कोई चेंजिंग करो। इसमें और एक की चेंजिंग क्या करोगे बच्चा, हम क्या करेंगे ना, फिर हमने यहाँ 3 तक इतना जोड़ा एक बनाया था, अब हम एक और नीचे ले लेते हैं। चलो इसको इसमें ले लेते हैं, हाँ, और इनका 2 ले लेते हैं अलग अलग, ऐसे ऐसे उलट पलट करके करेंगे, बन जाएगा 2 × 2 = 4, 3 × 12 = 36 और 3 × 3 = 9। देखो 36 का 9 में मल्टीपल करोगे बाबू तो ये हो जाएगा 324 और यहाँ पर देखो संयोग अच्छा है, ये 45 भी आ गया ना। इसका मतलब हम 36 और 9 को लेंगे। कुछ बच्चों के दिमाग में पहले आ गया था, कमेंट कर रहे थे, देखो मोहित वगैरह कुछ हैं ऐसे, लेकिन मैं समझ रहा था कि आपको आ रहा है, कुछ बच्चों को नहीं आ रहा था। चलो तो अब इनको हम क्या करेंगे, अब इनको हम 2 पार्ट में तोड़ेंगे और वो पार्ट कौन कौन से होंगे आपके सामने हैं, ये मैं थोड़ा मिटा दे रहा हूँ। आप वीडियो को थोड़ा पीछे करोगे ये सारी कहानी तुमको फिर से मिल जाएगी बच्चा, ठीक है। चलो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर ऐसे लिखेंगे माइनस 45 की जगह पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 36 + 9। भाई 45 को 36 + 9 लिख सकते हैं, 45 को 36 + 9 लिख सकते हैं, बाहर से x था x और प्लस का 324 था, तो ये ऐसे = 0। ये कहानी आपको समझ में आ रही है अच्छे से, चलो ठीक है आगे बढ़ते रहो फटाफट। तो बच्चे आप आगे बढ़ोगे तो क्या होगा, ध्यान दो, ये x का स्क्वायर माइनस 36 का गुणा करोगे x में, हमें पता है कि 36x हो जाएगा, पहले माइनस है, कोष्ठक खुलेगा, अंदर के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, मतलब कि प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो बच्चा ये माइनस हो जाएगा, तो ये 9x हो जाएगा, हाँ भाई x का 36 में किया 36x, x का इसमें किया तो 9x और प्लस का ये 324 = 0। अब इनमें कॉमन लोगे
मैंने बेसिक मैथ बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है, सबको कॉमन लेना आता है। यक्स कॉमन लोगे यक्स माइनस 36 बचेगा, बच्चा इसमें माइनस 9 कॉमन लोगे तो यक्स माइनस 36 बचेगा इक्वल 0। अब मैं नीचे धीरे धीरे मिटाता चलूँगा, आप इसके लिए बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। अगर नहीं लिखे हो तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके लिख लो, वीडियो पीछे करोगे सारी कहानी आपको दोबारा से मिल जाएंगी और आप नोट कर पाओगे। हाँ, एक काम और कर सकते हो, वीडियो को रोक रोक के भी आप लिख सकते हो, ये भी एक अच्छी बात है। वीडियो को रोक के पुश करो, वीडियो को टच करके रोको, फिर लिखो, फिर आगे बढ़ाओ, फिर लिखो। जो दो बार कॉमन हुआ एक बार हो जाता है, और जो ये x और माइनस 9 कॉमन था वो इतना हो गया। अब हम लिखेंगे यदि x माइनस 36 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा, 36 होगा। और यदि यहाँ पे एक और लिखोगे भाई, दो कंडीशन है, x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर 9। हमने माना था कि माना जान के पास कंचों की संख्या x, हाँ अब लिखो, अतः जान के पास कंचों की संख्या यक्स बराबर 36, एक्स बराबर 36। तो जान और कौन था भाई साथ में, जान के जीवंती, हाँ तो जीवंती के पास कंचों की संख्या 45 माइनस यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 36, ना 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 45 माइनस 36, हाँ 45 माइनस 36। तो बच्चा ये हो जाएगा 45 माइनस 36 बराबर 9। यानी जब जान के पास में 36 कंचे थे तो जीवंती के पास 9 कंचे थे। बात समझ में आई, क्योंकि दो माना है इसलिए आप नीचे एक लाइन और लिखोगे, एक लाइन आप नीचे लिखो जल्दी से भाई, इतना हो गया नोट करो, इतना हो गया नोट करने के बाद नीचे एक लाइन और लिखोगे, समझ में आ रही ना बात। चलो तो अब देखो, आप लोग लिखोगे, मैं नहीं लिखूँगा, मैं इसी में बना दे रहा हूँ। एक लाइन नीचे लिखो, अब तुम लोग इसमें मत बनाना अपने में कॉपी में, एक लाइन और नीचे लिखो, नीचे लिखो, अतः यदि जान के पास कंचों की संख्या यक्स बराबर 9, भाई मान लो कि यक्स का मान 9 लेते हैं, तो नीचे लिखो, तो जीवंती के पास कंचों की संख्या 45 माइनस 9 बराबर 36। यानी कुल मिला के ये निष्कर्ष निकला कि जब जान के पास 9 कंचे होंगे तो जानवी के पास 36 होंगे, जब जानवी के पास 36 होंगे तो जान के पास 9 कंचे होंगे। हो गई ना दूसरे जो समीकरण की उदाहरण की समस्या थी उसका सलूशन हो गया, हल हो गया ना। तो बच्चे इस तरह से आपका ये कक्षा 10 की एनसीईआरटी मैथ का जो एक्सरसाइज 4.2 थी उसका सवाल नंबर 2 पूरा हो चुका है। इस तरह से आप एक दो सवाल का हर रोज एक सलूशन पाएंगे। और अगर आप इस क्लास को एक साथ पूरा देखना चाहते हैं अच्छी तरह से, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, वीडियो में कमेंट करिए, आपको हम प्रीमियम क्लास में दो दो घंटे की क्लास उपलब्ध कराएंगे, आप एक दो महीना के अंदर पूरा कोर्स खत्म कर लोगे। लेकिन अगर आप ऐसे यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो PVR स्टडी को चैनल को सब्सक्राइब करके और PVR स्टडी के फेसबुक पेज को लाइक करके फॉलो करिए और ऐसे फ्री में पढ़ते रहिए। तो जैसी आपकी इच्छा हो, चाहे आप छोटी छोटी क्लास हर रोज देखते रहिए, चाहे आप प्रीमियम क्लास लेकर के इकट्ठा ले लीजिए पूरा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद। और हाँ, चलते चलते रिक्वेस्ट होगी, अगर आप इस वीडियो को डेमो के रूप में देख रहे हैं तो इसे साथियों में शेयर जरूर करें। देखो 5 मिनट ज़्यादा भले लग गया, लेकिन आपको समझ में आ जाए हमारी यही कोशिश होती है पूरी तरह से। तो बच्चों अपने विचारों को जरूर लिखना, आपको क्लास कैसी लगी, और कमेंट करोगे तो हम आपको और क्लास उपलब्ध कराएंगे जल्दी से जल्दी।